नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया है ताकि आबादी की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी सरकार की नई नीति का ऐलान किया, लेकिन इस नीति के कई पहलू से हिंदू संगठन तक नाराज हो गए। नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिंदू परिषद ने सवाल खड़े किए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने इस मसले पर यूपी लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखी है। विश्व हिंदू परिषद ने बिल में शामिल एक बच्चे की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। बीएचपी का कहना है कि पब्लिक सर्वेंट या अन्य को एक बच्चा होने पर इंसेंटिव देने की बात कही गई है, इस नियम को बदलना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि दो बच्चों वाली नीति जनसंख्या नियंत्रण की ओर ले जाती है, लेकिन दो से कम बच्चों की नीति आने वाले समय में कई नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू होती है तो इससे आबादी को लेकर असंतुलन हो जाएगा, इसलिए सरकार को इस बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए। चलिए बीएचपी के उस आपत्ति के बारे में पूरी बात बताते हैं। आखिर किस नियम से बीएचपी नाराज है? दरअसल नई जनसंख्या नीति में इस बात को शामिल किया गया है कि अगर कोई अपनी इच्छा से नसबंदी करवाता है या एक ही बच्चा करता है तो उसे सरकार की ओर से इंसेंटिव दिया जाएगा। इसमें सरकार की ओर से कई सुविधाएं दी जा सकती है। किसी नौकरी पेशा को टैक्स में छूट जैसा फायदा दिया जा सकता है, तो वहीं अगर कोई नौकरी पेशा नहीं है तो उसे सरकारी योजनाओं का फायदा मिल जाएगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।